competition held at Hamdard University Islamabad campus. So I'm just going inside. So I'll show you the competition. नहीं यार नहीं वो नहीं वो उसके अंदर ब्लू है ना उसके अंदर ब्लू है उसके अंदर वो ब्लू गर्म कर ले उसके अंदर आ रही है उसके अंदर गर्म हो जाएगा तो ये हमारे असगर साहब हैं ये हमारे रोबोटिक्स टीम के हेड हैं और इन्होंने ये जो है वो कंपटीशन अरेंज किया है तो असगर साहब बताएं ये कंपटीशन क्या है इससे क्या बच्चे सीखेंगे और सारा कुछ बेसिकली हमारे सोसाइटी का नाम जो है हमदर्द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स टीम है जो नॉर्मली हम ये करते हैं कि इसमें हम रोबोटिक्स कंपटीशन कराते हैं हर साल कराते हैं लास्ट टाइम हमने HRC कराया था 16 में अभी इस टाइम HRC हम करा रहे हैं 18 के अंदर उसमें नॉर्मली हमारा जो कंटेस्ट है वो लाइन फॉलोइंग रोबोट्स का ही होता है नॉर्मली लाइन फॉलोइंग रोबोट जो होता है रोबोट विच बेसिकली फॉलो देयर आर बेसिकली टू द लाइन इज ब्लैक एंड द बैकग्राउंड इज वाइट सो बेसिकली द रोबोट डिटेक्ट्स द ब्लैक पाथ और देन फॉलो दैट स्पेसिफिक पाथ उस बात के बाद ये होता है कि हमारे पास जो कंटेस्टेंट होते हैं उसमें जिनका रोबोट फास्टेस्ट कवर करता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन तो उसको हम एज अ उसको हम कंटेस्ट में फर्स्ट प्राइज का इनाम देते हैं इसके अलावा हमारे पास जो है जी सर अच्छा ये बताएं कि इसमें आपके पास कितनी टीम्स हैं इस टाइम हमारे पास 9 टीम्स रजिस्टर्ड हैं और मोस्टली टीम्स हमारे पास जो है वो सेमेस्टर सेकंड और थर्ड से ही टीम है इस दफा कंटेस्ट कर रही है क्योंकि लाइन फॉलोइंग रोबोट जो है रोबोटिक्स में सबसे इनिशियल लेवल का कंटेस्ट है और इस इनिशियल लेवल के कंटेस्ट में ये होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो इनिशियली रोबोटिक्स को लर्न करते हैं फिर इसके बाद हमारे पास लेवल 2 होता है जिसमें हमारे पास फर्दर ऑप्शंस होते हैं जिसमें कोलिजन अवॉइडेंस के होते हैं और कर्न रिडक्शन के भी ऑप्शंस होते हैं जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में चलें ठीक है थैंक यू अब हमें आप लेके चलें जहाँ पे हमारा जहाँ पे कंपटीशन है हमारा एरिना आप देखिए और यार जहाँ पे कंटेस्ट हो रहा है जी जी बिल्कुल सर ये हमारा कंटेस्ट है कंटेस्टिंग जो अरीना है यहाँ पे डिफरेंट लाइन फॉलोइंग रोबोट्स हम चलाते हैं यहाँ बेसिकली स्टार्ट होते हैं आप देखिए यहाँ पे आप डिफरेंट आप कर्व वगैरह देख सकते हैं और इस कर्व को नॉर्मली रोबोट्स फॉलो करते हैं जिन की प्रॉपरली सेंसर पोजीशनिंग से ही होती हैं जिनके प्रोग्रामिंग बेहतर होती है तो इन कर्व्स को प्रॉपरली फॉलो तो आप इस कंपटीशन को किस तरह जो है वो जज करेंगे अब नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं पॉइंट्स हमने डिफाइन किए जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट शायद आपको नजर आ रहे हैं जी जी बिल्कुल अब इसमें ये होगा कि यहाँ से अगर रोबोट स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच गया तो इसके 5 पॉइंट्स हो गए नॉर्मली ये होते हैं जहाँ पे कर्व आते हैं वहाँ पे रोबोट्स हार्डली कुछ रोबोट्स नहीं चलते उनके लिए मुश्किल होती है तो हमने इनिशियल लेवल पे पॉइंट डिफाइन कर दिए अब इन पॉइंट्स को मूव करते हुए इसमें अगर आप देख रहे हैं इन जगहों पे काफी ज्यादा टर्न्स आ रहे हैं जी इन जगहों पे अगर आप देखें जी तो इन जगहों पे एक रोबोट के लिए सेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है तो हमने डिफाइन कर दिया करीब 15 पॉइंट्स तक पहुंच गए अगर आगे नहीं जाते तो 15 पॉइंट एटलीस्ट रोबोट के तो ये रोबोट ने एंड तक जाना है और फिर वापस भी आना है नहीं इसने इसने एक दफा एंड तक जाना है और 50 पॉइंट्स है मैक्सिमम 50 पॉइंट्स है और हमारे पास जो टाइम है वो बेसिकली 2 मिनट्स है 2 मिनट्स के अंदर इसने कवर करना है चलो अब सारे जो कंटेस्टेंट यहां पे आ गए بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamu alaikum and good morning. My name is Aftab Saqib and I am your host for Hamdard Robotics 2018. I welcome you all, especially Mehmet Madiha and Dr. Anwar Mazhar and Dr. Amir Saleem to our contest. To start properly, first of all, I will invite Hamza Rehman for Tilawat Kalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے, وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, خدا فرمائے گے کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے, کاش کہ تم جانتے ہوتے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے بے فائدہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے بھی اونچی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. اور جو خدا جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کے ساتھ اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں, اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا. کچھ شک نہیں کہ خدا کافر کو رستگاری نہیں پانے دیں گے. اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر, اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. Translation in English. This day I have bestowed upon them this reward for their patience that they have tempered. Allah will say, how many years have you stayed in the earth? They will say, we might have stayed there a day or a part of a day, but as those who went out count. Allah will say, you stayed there but very little, would that you know it there. Did you think that we had created you in vain without any purpose and that you would not return to us? So Allah, the true sovereign, is high and exalted. There is no God but He. He alone is the Lord of the venerated throne, and anyone who worships another God along with Allah has no proof of this. So he will be accountable for that to his Lord alone. Surely the disbelievers will not be successful. And submit, O my God, forgive and have mercy, and you alone are the best of those who have mercy. JazakAllah. HRCA team is a platform for students to improve their technical skills. To tell you more about our contest in our society, I'll invite Marceline, the president of HRCA. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before saying anything or just proceeding, I would like you people to get introduction of my team. My team includes Akbar Hussain as the Vice President, Babar Ali Nawab as the Finance Secretary,
Hamza Latif as the General Secretary, Hilal Ahmed as the Finance Secretary, Aftab Shafiq as the Media Coordinator. This team just struggled a lot for HRC 18 to be successful and to just proceed in a way that we are going to do it today. So thank you so much for you people. We move on. Since we know that HRC 16, held under the supervision at the President Noman, was one of the successful events and it rose the sense of interest for the students to be held in. Just to proceed for that, when the announcement for HRC 18 was made, the sense of interest for the students was so much that just it made difficult for us to just judge that the students are going to be the seniors or the juniors. That was the time when we decided that HRC 18 would be divided into two stages. First stage would include level 1 and second stage would include level 2. Now the reason for level 1, level 2 and the sections was our first stage is that is being done today. It includes level 1. Level 1 states that it would be a simple line following path, whereas level 2 states that there would be obstacle avoidance and decision making theme as well. Now our scheme 1 and scheme 2 were separated because we had seniors for scheme 2 and juniors for scheme 1. Now juniors included students from semester 2. It was just because of that it was an interesting event and held something really important for themselves, so they wanted themselves to be arose in this sense. That was the reason that these students would just pursue today. The top 3 teams selected from this would be going towards the HRC 18 scheme 2, which would be held in a few months later on. So just making a start, I would like to have the permission to just start the contest if I could, if I'm permitted, sir. May I? So I'd just like to call the first team, which is Screwdrivers, Zishan Rafiq and Awais Khan. I am group leader and my group member is Awais Khan. Now I'll start. First time, it would be started from the same point where it deviates with a minus 5. If it gets deviated for the second time, it would start from the initial point with the same minus 5 held before. And for the third case, it would be last and the final option to get started from the starting point. So if the points are level, the decision would be made upon the time it takes to complete the path. So you may now proceed, please. नॉर्मली सेंस कर, अगर आप रोबोट को देखें सेंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ये ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड को सेंस कर रहा है और नॉर्मली डिसीजन जो है वो ब्लैक लाइन से ही ले रहा है और ये सेंसर जो है जो हमने लगाए ये सेंस कर रहे हैं बेसिकली एनवायरनमेंट को, ये बैकग्राउंड वाइट और ब्लैक को सेंस कर रहे हैं. पावर नहीं आ रही पावर आ रही बैटरी नहीं मूव कर रही.
अब दोबारा स्टार्ट माय ग्रुप मेंबर्स आर मिस्टर बाबर अली एंड मिस्टर नवीन. आप इनसाइड पे आए minus 5 points over. मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स है. अगर इसे क्लियर हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों ने नाम मेरे हमें सोच समझ के रखा था. हमारे यहाँ उमर बाबर एंड शुएब अहमद. I am the group leader of this and the group name is Chaudhary group and my group member, my name is Umar Babar and my group member are Shweb Ahmed and due to some problem and Samar Yaz is not here. अगर ये चारों सेंसर ब्लैक लाइन पे आ जाते फिर भी स्टॉप कर देता है जिस तरह अभी ये स्टॉप कर देता है ड्यू टू के चारों सेंसर ब्लैक लाइन पे फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता वाइड बैकग्राउंड को ब्लैक. जो सामने सेंसर लगे होते हैं ये नॉर्मली लाइट को थ्रो करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन आती है उसी के ऊपर ये डिसीजन लेते हैं. ब्लैक लाइन से रिफ्लेक्शन कम होती है वोल्टेज कम आता है वाइट लाइन से रिफ्लेक्शन रिलेटिव जो की वोल्टेज ज़्यादा आता है उसी के बेस पे इसकी मोटर जो है. तो फिर मूव नहीं उसे एक सिग्नल वाइट से आएगा एक ब्लैक से आएगा उसे सिग्नल और ये देखिए सारे ब्लैक से from 2 minutes.
maximum time. Assalamu alaikum. मेरे ख्याल में तीन अटेम्प्ट्स इनको हो गए और वन लास्ट मेरे ख्याल में इसका भी रोज है आज सही है ठीक है थैंक यू ये हाँ ये सिक्स सेमेस्टर के यहाँ से रख इसमें हमें लाइट एलईडी भी लगाई है टायर के अंदर से कहाँ सेंट्रल ब्रेक का है किडी व्हील लगा हुआ है जाना बिल्कुल हाँ सारा कुछ ब्रेक Thank you.
अभी चारों सिस्टम से ही हाँ I am from second semester. Here are my team members. He is Kumar and he is Hamza Ijaz. Our team name is Mr. Adesir. Now let's start. Chhod de. Start. ज़्यादा है वही फोर है दो नज़र आ रहा है दो दरमियान में दो नहीं छः भी लगा आठ भी लगा लेकिन आपको प्रोग्रामिंग कम्प्लीट होना चाहिए हर एक सेंसर को भेज देंगे नहीं नहीं सेंसर नहीं होता ये 150 का सेंसर है Sir, the competition for the line following is done. So we got top 4 teams. बेसिक थीम थी आप और उस बेसिक थीम में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई और वो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि थोड़ा सा अरेना जो है वो आपने थोड़ा सा टफ कर दिया उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा अजहर खान और की टीम और जो हार्ट की टीम है कि जब होता ही हूँ कि जब भी आप किसी मुकाबले में जाते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती हैं आपने कहा कि ये तो बड़ा आसान सा है इस तरह बन जाएगा लेकिन जब बनाने भी जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी मुश्किल अनएक्सपेक्टेड किस्म की मैं चाहूँगा ये कि तीन चार चीज़ें आप लोग अपने जहन में रखें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें एक तो ये कि जो डिज़ाइन आपने बना लिया उसको प्रिजर्व करें जो एफर्ट आपने कर लिया इसको उसको प्रिजर्व होना चाहिए बजाय इसके कि आप नए साल अगले 2019 में नए सिरे से स्क्रैच से दोबारा वही सारी डिज़ाइन बच्चों को पकड़ें और उनको कहेंगे दोबारा से शुरू करो वो भी नई नए उसमें मतलब ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट करें तो हम चाहेंगे कि जितने भी डिज़ाइन है इसको प्रिजर्व किया जाए कि लैब के अंदर प्रोजेक्ट लैब इस मकसद के लिए बना दी गई है और वो बच्चे जो कि जिन्होंने थोड़ा सा काम किया है आपको इन्वेस्टिगेट करें वो जो सिस्टम आपने बनाया है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ जो हमारी मिसिंग है और वीक है वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी बेहतर समझ आपको होनी चाहिए और जो अरेना के ऊपर जब रोबोट चल रहा है तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आप रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्लॉट करें प्लॉट करने के बाद डिग आउट करें कि जी किस जगह पे प्रॉब्लम हुआ था किस वक्त
किस किस सेंसर ने क्या क्या इनपुट दी थी और उसकी बेसिस पे आपके एल्गोरिदम ने ये नतीजा निकाला जो कि गलत था, तो किस जगह उसको ट्यून करने की जरूरत है। तो बेस्ड ऑन दैट डाटा एनालिसिस, तो अपना डाटा एनालिसिस शामिल करें अपने उसके, ताकि आप सिस्टम उसी डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकें। वैसे तो ये सिंपल सी ब्लैक लाइन है, तो ये तो एक सेंसर से भी चलनी चाहिए थी, तो वो चार सेंसर लगाने की क्या जरूरत है। तो ऑफकोर्स आप उसको थोड़ा सा मजीद रोबस्ट और बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि रिजर्वेशन के साथ साथ आप और यूनिवर्सिटीज में भी जाएँ और वहाँ के रोबोटिक कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मतलब जाके देखें कि वो क्या है। बिकॉज होता यूँ है कि जब आप कहते हैं जी हमने तो ये कर लिया, तो आप समझते हैं जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप देखते हैं कि जी फलानी जगह पे ये भी होता रहा। और तो फिर आपको कंपैरिजन जब मिलती है तो फिर आपको पता चलता है कि जी आप किस लेवल पे करें। तो ये ना हो कि आप सिंगल साइडेड यानी कि शॉर्ट साइडेड मोड में अपने आप को ही देख देख के अपनी परफॉर्मेंस खुश होते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो आई विश के हम नेक्स्ट टाइम जो सेकंड फेज है इसका, जिसके अंदर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और आपने थोड़ा सा और उसका स्कोप बढ़ाना है, उसके अंदर और बेहतर फॉर्म में वो कर सकेंगे इम्प्रूव डिज़ाइन के साथ। और कुछ रोबोट्स जो हैं वो अब हर जगह दुनिया में उनकी एप्लीकेशन है। आप देखते हैं कि सेल्फ ड्रिवन ट्रक्स आ रहे हैं और उनकी उनके ट्रायल्स भी हो गए हैं और इवन एनिमेटेड और जहाज तो बहुत अरसे से ही मतलब ऑटोमेटेड मोड में चल रहे हैं। इवन लैंडिंग ऑटोमेटेड लैंडिंग्स भी बहुत पुरानी बात है। तो अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा और कीप द गुड वर्क अप और अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें ताकि आप मजीद इम्प्रूव कर सकें। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व किया इन अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी, जिसके अंदर आप रोबोट्स बनाने की कोशिश की और फिर उसको इस एरिया के ऊपर चलाया भी है। मैं मेरा एरिया तो नहीं है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी आपके साथ मिलकर करते हैं, कंबाइन है आप लोगों के साथ। मेरा कॉन्सेप्ट रोबोट्स का कुछ और है, ये हमें तो बड़े बेसिक लगते हैं, लेकिन अगेन मैं डॉक्टर साहब से बैठा समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सेंसर है, इमेजिंग है, इमेजिंग पता नहीं शायद इसमें नहीं है आपके उसमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मे बी कि आप लोग इमेजिंग भी ऐड कर सकें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऑब्स्टिकल को भी ये टैकल कर सकें किसी तरह से। और वो जो डॉक्टर साहब का आइडिया है कि ये रोबोट्स नेक्स्ट टाइम हम जो अगली टीम्स आएंगी उनको दें और उनको कहेंगे कि इनको इम्प्रूव करके आप आगे लेकर आए, मेरा ख्याल है इट विल ऐड मोर वैल्यू, जिसके अंदर वो इस डिज़ाइन को भी समझ लेंगे और इसके अंदर एडिशन को भी वो समझ लेंगे। सेलेक्टेड वो डॉक्टर साहब हैं, आपकी टीम है, असगर साहब हैं, इधर के असगर साहब ठीक है, मैं इनको देख रहा होता हूँ ये काम कर रहे होते हैं आज, अगर फुटबॉल हो रही होती तो फिर आलम जैद भी होते हैं आज गेम में ज़्यादा हो रहे, और भी हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी बैठे हुए हैं। तो रोबोट को मेरा ख्याल है कि ये जो आप बनाते हैं रोबोट्स, इट्स फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये है क्या। अगर नेक्स्ट लेवल के ऊपर डॉक्टर साहब हम इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन के लिए भी हम देखें कि जी ये रोबोट हमें किस तरह प्रैक्टिकली किसी चीज़ में हेल्प आउट करता है, तो जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं आपके तो उसके अंदर भी इसका अगर कंपोनेंट ऐड हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें और मज़ा आएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड वर्क एंड थैंक यू वेरी मच।